नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे कांवर यात्रा को लेकर। सावन का महीना शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ का जय घोष हमारे कानों में सुनाई देने लगता है। यह पूरा महीना हर्ष और उल्लास का होता है। इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त बाबा का जलाभिषेक करते हैं, चाहे वह उनके गांव का मंदिर हो या फिर ज्योतिर्लिंग। यह पूरा महीना हर हर भोले बम बम भोले के नारों से गुंजायमान होता है। सावन के महीने में श्रावणी मेले की शुरुआत होती है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांवर यात्रा मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसमें कांवर को लेकर बाबा बैद्यनाथ तक जाने वाले भक्तों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों का नंबर भी जारी किया गया है, ताकि किसी तरह की समस्या होने पर आप उस पर कॉल कर सकें। यह पूरा ऐप कांवर लेकर जाने वाले भक्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें कि कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। आपको बता दें कि कांवर यात्रा की शुरुआत भागलपुर के सुल्तानगंज से शुरू होती है और यह देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के साथ समाप्त होता है। इस दौरान अगर किसी भी भक्त को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वह अपनी शिकायत इस ऐप के माध्यम से कर सकता है। कहा जा रहा है कि एक घंटे के अंदर भक्त को उनकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। इस ऐप में कई तरह की सुविधाएँ दी गई हैं, जैसे कि इस ऐप में GPS लगा हुआ है, जिससे कि आप लोकेशन को जोड़ सकते हैं, ताकि विभाग भी डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यालय स्तर से उसकी शिकायतों को देख सके, समझ सके, ताकि विभाग भी डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यालय स्तर से भी शिकायतों की स्थिति के बारे में जान सके, किसी भक्त को समय रहते उसको सहायता पहुंचाई जा सके और संबंधित विभाग को इस बारे में इंगित भी किया जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इस ऐप को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना होगा, जहां पर आपको लिखना होगा कांवर यात्रा 2022। इसके बाद यह ऐप जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड करें। बता दें कि इस ऐप में आपको बिहार से जुड़े, यानी कि बिहार में खासकर बांका, मुंगेर, भागलपुर से जुड़े हुए तमाम विवरण आपको दिखाई देंगे। आइए अब जान लेते हैं इस ऐप की सुविधा के बारे में। कांवरिया ट्रेन प्लेन सड़क मार्ग से कैसे बाबा नगरी तक पहुँचे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस ऐप में दिखाई देगी। सरकारी आवास तथा होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला का सब लिंक दिया गया है। इसमें वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है। एक लिंक पर पुलिस शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पदस्थापित प्रभारी का नाम तथा मोबाइल नंबर, शौचालय एवं स्नानगार, पेयजल सुविधा की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी गई है। कंट्रोल रूम के लिंक तक मेला में आगत कांवरिया श्रद्धालुओं की समेकित रूप से सही सूचना उपलब्ध एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए भागलपुर, बांका, मुंगेर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको 3 जिलों का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें कि आप प्रशासन, विधि व्यवस्था, यातायात, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति, पेयजल समिति, आपदा संबंधी जानकारियां आपको यहां पे दिखाई देगी। आपको अगर कांवर यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप इस ऐप के माध्यम से शिकायत करें, साथ ही साथ अपना फ़ोटो भेजें। एक घंटे के अंदर आपकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस बार बाबा के भक्तों के लिए विशेष सुविधा बहाल की है, ताकि यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। आपको बता दें कि यह पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण बाबा के भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना के मामलों में कमी है और ऐसे में जो है भक्तों का तांता एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।